सब फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं। लड़कियां सेक्सी ड्रेस पहनती हैं लड़के के लिए। पब्लिक में सेक्सी ड्रेस पहने तो अटेंशन ही तो चाहिए, तो फिर रोती क्यों है? पब्लिक में दिखा रही है तो सबका हक बनता है, घर बैठो फुल कपड़े पहनो, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो मान लो तुमने पब्लिक में खड़े होकर अपने वॉलेट से पैसे निकाले कुछ खरीदने के लिए, जनता टूट के पड़ गई, हमें पैसे दिख गए, तुमने पब्लिक में पैसे निकाले वो भी कुछ खरीदने के लिए, वो भी खर्चने के लिए, हमें दिख गए, अब तो ये हमारा हक बनता है इन पे। तुम रोते रह गए कि भाई हाँ मैंने पैसे निकाले पर अपने पे खर्चने के लिए निकाले, जनता ने तुम्हारी एक ना सुनी, छीन के भाग दिए। कुछ इधर पड़ रहा है जो मैं कह रही हूँ, कुछ समझ आ रही है? हाँ, बेशक लड़की ने किसी लड़के के लिए सेक्सी कपड़े पहने, लेकिन वो लड़का तुम नहीं हो। लड़की कोई बीच पे पड़ा पत्थर नहीं है कि भाई अब तो जी मुझे दिख गया, अब तो मेरा हक बनता है। और ये जो हक की बात कर रहे हो ना, अगर तुमसे ये रेपिस्ट मेंटालिटी कंट्रोल नहीं होती तो तुम घर पे बैठो और अपनी आंखों पर और उधर नीचे कस के पट्टी बांध लो, ताकि तुम्हें आगे जेल ना जाना पड़े। इस सो कॉल्ड हक को अपनी जेब में डालो और रास्ता नापो। और हाँ, एक और बात, जाते जाते किसी खड्डे में गिर गए ना तुम, तो वो खड्डे का हक बनता है।